गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विथ आरके। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज वही करेगा राज। तो चलो आज फिर से मैं आपके लिए कई सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन लाई हूँ विथ सॉल्यूशन। और ये जो है वो पार्ट टू है। जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से देख लीजिए। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आपको मुझे कॉमेंट करके बताना है, ठीक है? तो चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक तंत्र का अपमार्जक कहा जाता है? ए बैक्टीरिया, बी फंजाई एंड बैक्टीरिया, सी एल्गी फंजाई एंड बैक्टीरिया, एंड डी नन ऑफ द अबोव। सो द करेक्ट आंसर इज बी फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई यानी कि कवक और एल्गी का मतलब है काई। कवक और बैक्टीरिया जो है वो पारिस्थितिक तंत्र के स्कैवेंजर्स है। वे मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और इसे पोषक तत्वों के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः चक्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टमक। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव जठर में मौजूद नहीं है? ए पेप्सिन, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी म्यूकस, एंड डी ट्रिप्सिन। सो द करेक्ट आंसर इज डी ट्रिप्सिन। द मेन एक्सोक्राइन प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टमक इज गैस्ट्रिक जूस, ए मिक्सचर ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर थ्री। नेम द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट अबो अवर किडनीज। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हमारे किडनी के ऊपर मौजूद है। ए एड्रेनल, बी पिट्यूटरी, सी गोनाड्स, एंड डी सलाइवरी। सो द करेक्ट आंसर इज ए एड्रेनल। एड्रेनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबोव द किडनी। एड्रेनाल ग्लैंड सिक्रीट्स एड्रेनालिन हार्मोन विच वर्क्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशंस, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी ग्लैंड। एड्रेनालिन इंक्रीजेज द हार्ट बीट रेट, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा। सो द करेक्ट आंसर इज एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर फोर। नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन विच कोरोना वायरस अफेक्ट द मोस्ट। शरीर के उस अंग का नाम बताए जिस पर कोरोना वायरस सबसे ज्यादा असर करता है। ए हार्ट, बी लीवर, सी किडनी, एंड डी लंग्स। सो द करेक्ट आंसर इज डी लंग्स। कोविड 19 इज प्राइमरीली अ रेस्पिरेटरी डिजीज, देयरफॉर इट्स नो सरप्राइज दैट इट अफेक्ट्स द लंग्स। टू ऑफ कोविड 19's मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट पेन। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी लंग्स। क्वेश्चन नंबर फाइव। Which of the following disease is caused by dog bites? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कुत्ते के काटने से होता है? A. Scurvy, B. Madness, C. Rabies, and D. Color blindness. So, the correct answer is C. Rabies. Rabies is a viral disease that causes inflammation of the brain in humans and other mammals. Early symptoms can include fever and tingling at the site of exposure. That's why the correct answer is C. Rabies. Question number 6. Pepsin in stomach is secreted by which cells? जठर में पेप्सिन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? A. Parietal cells, B. Foveolar cells, C. चीफ सेल्स, डी जी सेल्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी चीफ सेल्स। हियर गैस्ट्रिक चीफ सेल ऑल्सो नोन एज जाइमोजेनिक सेल और पेप्टिक सेल इज अ सेल इन द स्टमक दैट रिलीज पेप्सिनोजन एंड काइमोजिन। पेप्सिनोजन एक्टिवेटेड इन टू द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन वेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एसिड प्रोड्यूसेस बाय गैस्ट्रिक पैरिएटल सेल्स। सो द करेक्ट आंसर इज चीफ सेल। क्वेश्चन नंबर 7। ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम विच जर्म लेयर और लेयर्स।
मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किस जर्म लेयर और लेयर से विकसित होते हैं? ए एक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी एंडोडर्म एंड डी एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। सो द करेक्ट आंसर इज ए एक्टोडर्म। देर आर थ्री जर्म लेयर फ्रॉम विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अराइज। दीज आर एंडोडर्म इनर लेयर, एक्टोडर्म आउटर लेयर एंड मेसोडर्म मिडल लेयर। द नर्वस सिस्टम एंड द ब्रेन डेवलप फ्रॉम द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द जर्मिनल लेयर विच इज द एक्टोडर्म। सो द करेक्ट आंसर इज एक्टोडर्म। क्वेश्चन नंबर 8। कोरी साइकिल अकर्स इन दिस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कोरी चक्र शरीर के इन अंगों में से होता है। ए लीवर एंड किडनी, बी मसल एंड लीवर, सी लीवर एंड पैनक्रियास, डी मसल एंड पैनक्रियास। सो द करेक्ट आंसर इज बी मसल एंड लीवर। कोरी साइकिल अकर्स व्हेन ग्लाइकोलिसिस इज गोइंग ऑन इन वन टिश्यू एंड ग्लूकोनियोजेनोसिस इज गोइंग ऑन इन अनदर टिश्यू दैट इज मसल एंड लीवर सेल। सो द करेक्ट आंसर इज मसल एंड लीवर। क्वेश्चन नंबर 9। द हार्मोन दैट इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर इज। खुशी और आनंद की अनुभूति से जुड़ा हार्मोन है एपिनेफ्रिन, बी नॉरएपिनेफ्रिन, सी सेरोटोनिन एंड डी डोपामाइन। सो द करेक्ट आंसर इज डी डोपामाइन। डोपामाइन ऑल्सो नोन एज फील गुड हार्मोन। डोपामाइन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज डी डोपामाइन। क्वेश्चन नंबर 10। द अदर नेम फॉर ब्लू शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ब्लू शिफ्ट का दूसरा नाम है ए बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बी क्वांटम शिफ्ट, सी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट एंड डी स्टॉक शिफ्ट। सो द करेक्ट आंसर इज सी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट मीन्स इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी दैट इज डिक्रीज इन वेवलेंथ। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज द शिफ्ट ऑफ अ पीक और सिग्नल टू शॉर्टर वेवलेंथ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। For an absorption peak starting at lambda maxima 550 nanometer, a shift to higher wavelength such as 650 nanometer is bathochromic, whereas a shift to lower wavelength such as 450 nanometer is hypsochromic. So here, correct answer is C, hypsochromic shift. Last one is the hormone that is associated with maintenance of blood pressure is A, adrenaline, B, norepinephrine, C, रेडियो वेव्स एंड D, डोपामाइन। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।